कोई है जो मुझे रोकता है, हर जगह हर काम में मुझे टोकता है। उसके आगे मैं चूसी हुई गुठली के जैसा हूं। वो जो चाहे वो कराता है मुझसे। मैं उसके हाथ की कठपुतली के जैसा हूं। वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाता है, जब चाहे जिसका चाहे सारा समय खा जाता है। पूरी दुनिया है जिसकी गुलाम, जिसे सर झुकाकर हम करते हैं सलाम। जानना चाहते हो उसका नाम तो सुनो, आलस है उसका नाम। यह आलस अंदर ही अंदर हमें खा रहा है। करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ करने में मजा ही नहीं आ रहा है। एग्जाम टाइम है, हमें पता है कि हमें पढ़ना होगा पर आलस की वजह से हम टाल देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें पता है एक्सरसाइज करनी होगी पर आलस की वजह से हम टाल देते हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए सफर पर निकलना होगा, कदम बढ़ाना होगा पर आलस की वजह से हम टाल देते हैं। पूरी दुनिया आज आलस के गुलाम है। पर सुन छोटे, तू दुनिया से अलग है क्योंकि तू इस चैनल से जुड़ चुका है। ये तेरा पहला कदम है आलस को हराने की तरफ। तुम आलस से इसलिए हार जाते हो क्योंकि तुमने कभी उसे देखा नहीं है, पर मैंने देखा है उसे और आज तुम्हें दिखाने आया हूँ। तुम्हारे एरिया का सबसे कमजोर आदमी, पप्पू या टिंकू टाइप का, जो नाम से ही नहीं शरीर और ताकत से भी पप्पू या टिंकू हो। इतना कमजोर कि तुम फूंक दो तो वो उड़ जाए, चांटा मार दो तो कान से खून आ जाए और जोर से चिल्ला दो तो उसका पेशाब निकल जाए। तो क्या उस पप्पू से हारना पसंद करोगे, उसकी गुलामी करना चाहोगे, उसके इशारों पे नाचना चाहोगे? नहीं, कभी नहीं ना। वो पप्पू ही है आलस, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जिससे वो तुम्हें दिख नहीं रहा है और उसी चीज का वो फायदा उठाकर आवाज बदल बदल कर तुम पे हुकूमत चला रहा है और अपने इशारों पे नचा रहा है। अरे सोच, पप्पू का नौकर है तू, पप्पू का नौकर। तो खोल दे पट्टी और मार चाटा इतनी जोर से कि पप्पू के कान से खून निकलने लगे। देखना, इसके बाद वो पूरे मोहल्ले में नजर नहीं आएगा। अरे उसकी औकात नहीं है तेरे सामने खड़े होने की और तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे उसकी औकात नहीं है तेरे सामने खड़े होने की और तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे बालक है वो तेरे आगे, तूने पता नहीं क्या बना रखा है। अरे बालक है वो तेरे आगे, तूने पता नहीं क्या बना रखा है। तो गुद्दी पकड़ उस पप्पू की और बोल, कल तक जो किया अनजाने में किया, आज तुझको सही से देख लिया। अगर दोबारे मुझे नजर भी आया ना तो कान से नहीं कहीं और से खून निकलेगा, चल भाग। तो भाई नेक्स्ट टाइम से अगर कोई काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगा तो बात अलग है, पर अगर किसी काम को करने में आलस आया तो फिर वो काम जरूर करूंगा और पूरा करूंगा, क्योंकि पप्पू से तो नहीं हारूंगा यार। और जब भी तुम पप्पू से ना हारो और वो काम पूरा कर जाओ तो अपने आप को शाबाशी दो। देखना, एक दिन तगड़े से तगड़े पप्पू के कान से भी खून निकाल दोगे तुम और जीत लोगे दुनिया। तो क्या है वो काम जो करने में तुम्हें आलस आता है, उसे लिखो एक कागज पे, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखो और हरा दो पप्पू को और जीत लो ये दुनिया और बना दो नया इतिहास। और हाँ भाई लोग, ये पप्पू या टिंकू नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये नेगेटिव चीजें हैं। तो अगर किसी का नाम पप्पू या टिंकू हो तो प्लीज यार बुरा मत मानना, क्योंकि तुम एक योद्धा हो और वो एक कमजोर सा आलस है, दोनों की कोई तुलना नहीं है। तो उठो और बन जाओ वो जो बनना चाहते हो और तुम बनोगे, मुझे भरोसा है तुम पर। एक बार कदम आगे बढ़ाओ तो सही, अगर तुम्हें भी मुझ पर भरोसा है ना तो आओ साथ में आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। आओ कुछ बड़ा करते हैं।